ये हमारे पास बायोकेम का पेपर दिया है, जिसमें सबसे पहले क्वेश्चन है कि नेम फोर मेथड इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस, मतलब मीन्स लिखा नेम द फोर मेथड्स फॉर प्रिपरेशन सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स और अमीनो एसिड को सेपरेट करने के फोर मेथड लिखने हैं, और उनमें से इलेक्ट्रोफोरेसिस को थोड़ा सा बताना है। सेकेंड उसका पार्ट है प्रेयॉन डिजीज़ के, अल्जाइमर डिजीज़ के है। आगे हमारे पास मतलब ये ना जितने जितने मार्क्स के लिए उसके अकॉर्डिंग इतना लेंथी दो दो पेजेस का लिखने की कोई नहीं, जस्ट फ्यू लाइंस फॉर ईच डेफिनेशन, नॉट फॉर उसका मैकेनिज्म नहीं लिखना। सेकंड है स्टीरोल, क्या है स्टीरोल का एनिमल टिश्यू में क्या रोल है। आगे ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या है, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन लिकोट्राइन B4। थर्ड हमारे पास क्वेश्चन लिखा है कैस्केड इवेंट लिखना है सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे का, GS प्रोटीन का मैकेनिज्म। आगे इन्होंने एक बता दिया कि सेम देखें ये फिजियोलॉजी का ही MCQs आया हुआ है, MCQs क्या नहीं सुना रही हूँ। एक पेशेंट है वेजिटेरियन और उसका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कलर भी पेल है, तो इसको क्या है। वुमेन को आयरन वाइटामिन जो है ना आयरन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है इसको, और क्यों है। अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए फर्दर जो उनसे डायग्नोसिस के लिए हम करवाते हैं ना टेस्ट वगैरह वो करवाएंगे, तो HB इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है। बायोकेमिकल डिफेक्ट बताने हैं हंटर एंड हलनर सिंड्रोम के। अगर BMR क्या होता है, बेसिक मेटाबॉलिक रेट लिख बेसिक कह रही हूँ बॉडी ओ फिर मैं कंफ्यूज होगी, बेसिक मेटाबॉलिक रेट आता है इसमें BMR के अंदर। कौन से फैक्टर्स इफेक्टिंग करते हैं नॉर्मल BMR को, और मेजरमेंट क्या है BMR की। आगे बता दिया है ग्लाइकोसिमिक इंडेक्स क्या होती है फूड की, तो ये जो सा फूड क्वेश्चन ये डेली रिक्वायरमेंट जो न्यूट्रिशन का चैप्टर है बायोकेम का, ये उसमें से पूरा का पूरा क्वेश्चन आया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन है OPD में एक चाइल्ड है उसको बहुत लेग्स हैं, फ्रंटल बुशिंग डिले टूथ इरप्शन, और एग्जामिनेशन पे पता चला है कि पेल है, और इंटीरियर फ्रंट जो फ्रंटेलिस है ना वो भी इसकी वाइड ओपन है। तो व्हाट आर द पॉसिबल डायग्नोसिस बताया हुआ है, तो इसमें जो कंडीशन आ रही है बच्चों के अंदर होती है रिकेट्स की। क्वेश्चन का आंसर यही था रिकेट्स का, क्योंकि अगर आप बुक में देखो ना तो जो चिल्ड्रन के अंदर रिकेट्स का बनाया तो उसकी बकायदा ये जो थी लेग्स की शेप है ना जो अंदर बताई हुई है बोट लेग्स, यही बताया अंदर शेप दिखाई हुई है। आगे बताया सेकंड में उन्होंने खुद ही बता दिया कि विटामिन डी सिंथेसिस क्या है, तो ये जो मोस्टली सिनेरियो का यही जो होता है ना आंसर वो सेकंड या हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसके अंदर से ही पता चल जाता है, तो विटामिन डी की उसको डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से उसको रिकेट्स हुआ है। अगर उसकी सिंथेसिस बता दी और वो एक्टिवेट कैसे होता है बॉडी के अंदर। आगे लिखा फोलेट ट्रैप मैकेनिज्म क्या होता है, और कौन सी ड्रग है हाउ ड्रग जो सी है हाउ ड्रग मेथोट्रेक्सेट और सल्फोनामाइड ट्रीटेड फोलिक एसिड, तो इसका ना लिपिंग पॉट के अंदर एक डायग्राम बनिया, आप डायग्राम ही बनाना तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा रिप्रेजेंट के लिए। आगे क्वेश्चन लिखा कि 42 ईयर्स ओल्ड एक मेल है, वोमिटिंग है, फटीग है और डिस्कलरेशन ऑफ स्किन और आइज हुआ है, तो जो रिपोर्ट कन्फर्म सफरिंग फ्रॉम रेज्ड लेवल ऑफ बिलूरोबिन कॉजिंग जॉइंडस ड्यू टू हेपेटाइटिस, तो इसको व्हाट डू यू नो अंडरस्टैंड बाय द मेडिकल कंडीशन ऑफ द जॉइंडस। ये बाइल का जो चैप्टर है उसके अंदर से क्वेश्चन आया, तो ये आपको कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के लिए बता रहे हैं कि किस तरह आप करोगे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेडिकल कंडीशन ऑफ जॉइंडस। आगे उसका बताया हुआ है राइट डाउन लिमिटिंग स्टेप इन हीम डिग्रेडेशन, तो ये जस्ट मैकेनिज्म है पूरा इस क्वेश्चन के अंदर दोनों पार्ट के अंदर आ रहा है, एक में कंडीशन को किस तरह अंडरस्टैंड करना, सेकंड उसके लिमिटिंग स्टेप बताने। इनिमरेट द इम्पॉर्टेंट GAGs आर्टिकुलर कार्टिलेज और स्ट्रक्चर कंपोनेंट बताने Any2। आगे हमारे पास है कि एक टीन एजर पेशेंट है उसके अबाउट हिज वेट अटेम्प्ट टू मेंटेन अ फैट फ्री, उसने डाइट ली है सेवरल वीक, एबिलिटी टू सिंथेसाइज वेरियस लिपिड रिजम हाउ टू डेफिशेंट अबिलिटी ऑफ सिंथेसिस प्रोस्टाग्लैंडिस गिव बायोकेमिकल रीजन, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिस के अंदर एक मैकेनिज्म उन्होंने बताया सिंथेसिस के उसके अंदर फैट का रोल आपने देखना है, तो ये पहला तो उन्होंने उसका बायोकेमिकल रीजन जस्ट एक नंबर के बताएं, तो ये जो सा प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस का मैकेनिज्म है ना उसके अंदर लिखना देखना अपने लिपिन कोड से कि फैटी फैट का क्या रोल है, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रीजन लिख देनी है आपने देख के, और सुपर स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन का बताना है, प्रोटीन का इन्होंने लिखा हुआ है अंदर नाम नहीं प्रोटीन का बता दिया। व्हाट आर आइसोएंजाइम बताने और एग्जांपल, विल्सन डिजीज क्या है और उसका प्राइमरी काज क्या है, उसको उसको डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या है। आगे क्वेश्चन है आयरन डेफिशिएंसी मतलब जो मैकेनिज्म ऑफ आयरन की एब्जॉर्प्शन है ना GIT में किस तरह हो रही है, और जो डाइटरी मेजरमेंट है उसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को करने की वो क्या है।
जस्ट फॉर मेजरमेंट के जो भी अंदर वैल्यूज या जो भी ट्रीटमेंट लिखा है ना वो आपने लिख देना, लंबा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आगे लिखना डिफाइन टेम्परेचर डबल हेलिकल डीएनए के लिए कौन से है, डिस्क्राइब इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ बायोकेमिकल रोल ऑफ यूडीपी एटीपी एंड सीएमपी कहाँ कहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बायोकेमिकल बेसिस ऑफ जीन डिफेक्ट और उसकी डिफरेंट टाइप बतानी है इसमें कि अल्फा थैलेसीमिया में कौन सा जीन डिफेक्ट आ रहा है, तो ये जो सी हमारी हीमोग्लोबिन की चेंज है ना अल्फा बीटा उसमें जो अल्फा वाली चेन है उसमें डिफेक्ट आता है। नेम द ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लूकोज लिखना है हमने, मैनिटोल डेक्सट्रान और हेपरिन का रोल बताना है। तो ये हमारा सबसे लास्ट 10 वाला क्वेश्चन जो सा है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन बतानी है, प्रोडक्ट्स की ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोडक्ट्स जो से जस्ट नेम उनके लिखने हैं, या अगर उनका कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन आपने लिख देना है। अगर मैनिटोल डेक्सट्रान और हेपरिन क्या होती है और स्ट्रक्चर बताना है और बायोकेमिकल रोल बताना है लैक्टोज का। लॉन्ग में बता दी एलोस्टेरिक रेगुलेशन क्या होता है, लॉन्ग टर्म रेगुलेशन जॉनसन एंजाइम के किस तरह है। आगे कम्पिटेटिव ये पूरा ही एंजाइम का जो चैप्टर का लास्ट वाला पार्ट है वो आया, और डायग्नोसिस बताना कि कैसे हेल्प करता है। तो इसमें कार्डियक की जो एग्जांपल दी हुई है ना वो आपने पूरी की पूरी क्लिक देनी है कि अगर हार्ट अटैक जब होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन तो उसके अंदर जब हम टेस्ट करवाते हैं तो ट्रोपोनिन टी या आई लिखा हो, टी आई दोनों आता है और सी के एम भी आता है, उसका लेवल हाई हुआ था। तो वो सारे एम बीज के अकॉर्डिंग आपने देख लें, सी के एम भी जो भी बताया। लिपिड क्लासिफिकेशन उसकी बता दी और उसकी बायो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज और ट्रांसफैटी एसिड और ओमेगा 3 क्या है। बैलेंस डाइट क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या है। आगे उसकी लिमिटिंग इनटेक क्या है शुगर की साल्ट की, और एक्सप्लेन करना न्यूट्रिशनल फीड को और अकॉर्डिंग उसका बताना डिफरेंट न्यूट्रिशनल नीड्स फॉर मॉडरेट एक्टिव 60 kg स्टूडेंट, DPT-1 का 60 kg स्टूडेंट। तो ये अकॉर्डिंग टू ये चार्ट अंदर बना हुआ है जो बैलेंस वाला चैप्टर है बैलेंस डाइट का, उसके अंदर बकायदा ना चार्ट लिखे तो आपने वो चार्ट याद करके उसके अकॉर्डिंग खुद से बनाना कि 60 kg वाले जो पेशेंट मतलब पर्सन है उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी प्रोटीन कितनी कार्बोहाइड्रेट कितने विटामिन्स ये वगैरह सारा कुछ आपने देख लेना।